Hey guys welcome to my YouTube channel Proud to be Indian एज यू नो दट डब्लू जी काउंसिलिंग भाई शुरू तो हो गया है और अलॉटमें भी हो गया जैसे मैंने मैंने कहा था भाई कि इतना रैंकिंग जाएगा आसपास और मैंने बोला था कि थोड़ा इनक्रीज करेगा और एज इट इज हुआ ओके सो कॉन्ग्रेचुलेस टू ऑल द स्टूडेंट्स हु गॉट द अलॉटमेंट जिनको नहीं भी मिला भाई कोई दिक्कत नहीं ऑलरेडी मेड ऑफ दैट वीडियो नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं आप सेकेंड राउंड में जा मीस ऑटोमेटिक अपगेडसन हो जाएगा आपको कुछ नहीं करना ना ही फिजिकल रिपोर्टिंग करना ओके okay? बट बहुत लोग कुछ रहते कि जिनको मिला कि आज जानना मस्ट या दट इज हंड्रेड परसेंट वन हंड्रेड टेन परसेंट मैंडेटरी नहीं गए भाई योर सीट विल बी कैंसल सो मेक्स योर टू दट ओके

सो दीज आर द डॉक्यूमेंट्स एल सो जनरल डॉक्यूमेंट्स है दट इज आई ऑलरेडी मैं इन प्रीवियस वीडियो रैंक कार्ड एडमिट कार्ड मार्क्सटी टेंथ क्लास ट्वेल्थ मार्क्शीट ऑफ क्लास ट्वेल्थ आधार कार्ड डोमिसाइल सर्टिफिकेट मैंडेटरी इनकम सर्टिफिकेट फॉर टी एफ डब्ल्यू कोटा ओनली ओके सो बहुत लोग बोल रहे थे भैया आई एम फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ बिहार सॉरी आएम आउटसाइड फ्राम द बंगाल यानी कि मैं बिहार से हूँ यूपी से हूँ तो क्या डू आई रिक्वायर दिस इकम सर्टिफिकेट डोमिसाइल सर्टिकेट नो एनी रिक्वायरमेंट डोंट भी इन कन्फ्यूज ओके मैं ऑलरेडी बहुत वीडियो बना चुका हूँ फिर भी कंफ्यूजन है भाई सो मेक क्लियर टू ऑल दैट ओके देन प्रिंट आउट ऑफ द एंटी रैगिंग एफिडेपी ऑफ द स्टूडेंट एंड पेरेंट्स फ्रॉम द इनफो ए रैगिंग डॉट इन ओके सो ये एक्चुअली आप ऑलरेडी मेड अ पार्टिकुलर वीडियो दैट हाउ कैन यू मेक योर एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट ऑनलाइन ओके या ऑफलाइन दोनों में बता चुका हूँ सो यू कैन चेक आउट दट वीडियो मैं आपको भी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा सो आपको एंटी रैगिंग एफिडेविट लेके जाना है अगर आप एमशन ले रहे हैं तो तब यह जरूर ओके वेरीफिकेशन के लिए भाई यह जरूरत ऐसा नहीं है ठीक है देन मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट आई एव ऑलरेडी मेड पार्टिकुलर वीडियो दट हाउ कैन यू मेक द मेडिकल सिट फिटनेस रिपोर्ट लेकिन इन्होंने देखी भाई लिखा है कि फ्रॉम डॉक्टर सुदर्शन चक्रवर्ती मेमोरियल सेंटर यानी भाई यानी कुछ ना कुछ ये पैसा अपना ले रहे हैं ओके मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट ये पार्टिकुलरली कहें कि इन्हीं से मंगवाना है तो भाई इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं ओके okay? लेकिन ये होना नहीं चाहिए क्योंकि मेडिकल सर्टिफिकेट सभी के लिए वैलिड होना चाहिए भाई तो इनको ही मैं एक्सपोज जल्दी करने वाला एक डेज को इन्हें ये भी बहुत लोग मिस ये गलत करें स्टूडेंट के साथ ओके क्योंकि भाई जिनका उन कंफर्टेबल उनके जाएंगे अब डॉक्टर सुदर्शन और डॉक्टर ब्ला क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा बट भाई उन्होंने लिखा है तो आपको जाना पड़ेगा दैट इज ऑल अबाउट थैन तो दिस इज ऑल अबाउट दैट एंड नाइनटी एट थाउजेंड सेवन हंड्रेड फॉर जनरल ओपन कैंडिडेट्स एंड सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड फॉर इंस्टीट्यूट यूनिफॉर्म फॉर अल कैंडिडेट्स। तो इतना आपको फी पे करना है और सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड फॉर द यूनिफॉर्म के लिए पे करना ओके दिस इज ऑल अबाउट दैट। अगर भाई आपको ये सब कॉलेज का रिव्यू भी देखना है यू कैन चेकआउट माइ वीडियो मैं प्रोजेंड कॉन बता चुका हूँ कंपरिजन बना चुका हूँ तो आप यह सब वीडियो जरूर देखें उसके बाद ही एडमिशन ले क्योंकि दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ योर कैरियर दिस क्वेश्चन ऑफ योर फोर ईयर सब कुछ जान ले फिर आपको कहिएगा नहीं कोई बताया नहीं ओके क्स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी हेरिटेज के क्या क्या चाहिए भाई बीटेक फीस स्ट्रक्चर ओके सो एट टाइम ऑफ एडमिशन यू हैव टू पे सेवेंटी टू थाउजेंड यू कैन दैट ऑल ओके और अगर आप टी एफ कैंडिडेट है तो पे ट्वेंटी एट थाउजेंड ओके इज ऑल अबाउट दैट लेटर भाई सेमिस्टर फीस आपको ये पे करना है बट मैं बात करता हूँ वट आ द इम्पॉर्टेंटें डॉक्यूमेंट्स दैट रिक्वायर ओके सो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एज यूजल भाई जो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने प्रीवियस बताया वो सब मैंडेटरी है इसमें ओके okay? एंड

नीचे डेट लिख लेंगे मार्क्सटी ऑरिजिनल मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ऑरिजिनल आई टेस्टिंग सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर एस डोमिसाइल मस्ट है एंड थ्री रिसेंट पासपोर्ट ओके बट आई सजेस्ट यू दट एटली फोर या फाइव आप ले लें ओके दैट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट सो आव ऑलरेडी मेड वीडियो दैट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ये सब डॉक्यूमेंट आपको हेरिटेज में लगेगा ओके okay? मूविंग टू दर नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट द टेक्नोमेंट शॉर्ट लेक सो वही टेक्नोमेंट शॉर्ट लेक का मैंने वेबसाइट पर चेक किया दोडेडेड इट वट अबाउट दैट बट वो जितना डॉक्यूमेंट मैं पहले बताया हूँ हेरिटेज का उतना ही लगभग सेम है ओके दट इज नॉट मच मोर ओकेटेंट आसन सोलेज उन्होंने वही सब कुछ सही सही मैंशन कर दिया वो मुझे जो मुझे अच्छा लगा ओके दैट इज गुड अबाउट दिस कॉलेज और हमेशा ये कॉलेज मीन सही सही ये सब डेटा देते हो सो दीज आ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फ्रॉ ओरिजनल अलॉटमेंट लेटर दट इज मैं यू हैव टू गेट अद प्रोविजनल अलॉटमेंट सर्टिफिकेट और साथ ही साथ भाई जो आपका रिसिप्ट मिला है फाइव थाउजेंड का आप जो पे करेंगे उसका रिसिप्ट रहेगा सो दट इज मैंडेटरी फॉर दिस कॉलेज ऑनली हर एक कॉलेज नहीं मांगते लेकिन ये पता नहीं क्यों मांग रहे मार्क्शीट ऑफ टेन टूल्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रूफ ऑफ एज डेट ऑफ बर्थ यानी टेंथ सर्टिकेट सिक्स टेम पासपोर्ट फोटोग्राफ यानी छह कम से कम फोटो ले जाना है करेक्टर का सर्टिफिकेट मीनस एस एल सी ईयर गैप सर्टिफिकेट अगर आपने लिया है तो आधार कार्ड ऑफ द पेरेंट बोथ गार्जियन ओके गार्जियन या पेरेंट इन्हीं का आधार कार्ड ले जाना है वो ये सब एडमिशन के लिए चाहिए ओके okay? लेकिन आ, आप सिंपली अपग्रेडेशन के जा रहे हैं तो इतना ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए ओके okay? मीनस एडमिशन के लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑल ओके सॉरी मैंने जो अपग्रेडेशन के लिए अगर जाते हैं तो नॉर्मल जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो ऑलरेडी आई मैंशन दट ओके टोटल फी टू पे ड्यूरिंग एडमिशन इंक्लूडिंग फर्स्ट सेमेस्टर फी नाइंटी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिफ्टी सिक्स फर्स्ट सेमेस्टर के फॉर जनरल कैंडिडेट्स एंड फॉर टी एफड्लू कंडीडेट आपको भाई फिफ्टी थ्री थाउजेंड पे करना होगा सो लिटिल बिट कॉस्टली है क्योंकि भाई दिस इज अ पार्ट ऑफ एक्चुअली टेक्नो ग्रुप टू ओके सो दिस इज द फीस स्ट्रक्चर यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट ऑफ दट एंड डॉक्यूमेंट यू कैन टेक दैट मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉलेज दट इज द एमसी के बी अगर आप एमसी के भी इंटीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग आई एव ऑलरेडी मेड द कम्पलीट प्रोज एंड कॉन रिव्यू कम्पिजन अब कॉलेज चेकआउट दट इसका भाई क्या इलिबिटी क्रटेरिया एडमिशन के लिए सो दिस क्रिटेरिया आई थिंक दैट यू आर वेरी वेर अवेर ऑफ दट इतना मार्क्स आपका रहना चाहिए ओके पासिंग मार्क्स टेंथ प्लस विद एट लीस्ट थर्टी मार्क्स दिज ऑल दट मी बेसिक क्राइटेरिया दिस इज द फॉर लेटरल एंड मैम टेक ओके सो वट आर द डॉक्यूमेंट दैट द रिक्वायर सो डॉक्यूमेंट इज एज इट इज ओके मैं चेक करके आपको फिर फिर से बताता हूँ फीस स्ट्रक्चर भाई इनकाज इट इज मीन आई ऑलरेडी अ पार्टिकुलर वीडियो आप चेक कर सकते हो फीस स्ट्रक्चर वगैरह के लिए बट करता हूँ आई थिंक देवन दैट बट या फी स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट आपका सर वेरिफिकेशन के लिए जा रहे तो सेम इट इज और जितना पहले कॉलेज का बताए भाई सबका सेमी okay? changes, okay? so that, okay? इनका वही सेम ही रहेगा आपको मैं लिंक दे दूंगा फ्रॉम देयर यू कैन चेक आउट द एडमिशन ओके मीन्स फी कितना चाहिए अभी तक अपलोड उन्होंने नहीं किया आई डोंट नो वाट ओके आई थिंक या दिस इज द स्ट्रक्चर ओके सो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो

डॉक्यूमेंट दट रिक्वाइड द टाइम ऑफ एडमिशन तो ये ये डॉक्यूमेंट चाहिए और ऑपरेशन के लिए आपको बस नॉर्मल हो क्लास टेन टूए मार्क्सटीटी अगर डोमिसाइल तो डोमिसाइल कैंडिडेट सर्टिफिकेट टी एफ डब्ल्यू कैंडिडेट टी एफ डब्ल्यू सर्टिफिकेट्स एंड ऑल बेसिक थिंग दैट आलरेडी मैं बट इफ यू वॉन् टू टेक एडमिशन दिन दी आर द इमार्टेंट डूमेंट दट यू रिक्वायॉर्ड ओके सो फॉर एमशन वी द पोर्टल आपको आर सी सब जाना है पेमेंट करना है आर सी के ऑफिशियल वेबसाइट पर ओके एंड सैम्पल फॉर्म का व्यव्यू था लिंक ऑफ थ्रू सैम्पल आपको एंटी रैगिंग एफिडाविट देना है जो video, लेकिन आप इनका आप चेक कर सकते हैं कि क्या क्या सैम्पल है ओके okay? आफिडेबिट का क्या इन सैंपल इन लोग का है तो वी कैन चेक आउट डेट ओके सो so, इन लोग का देखिए आफिडेविट इस तरह से बनाया है मीन्स ये होल चीज़ है ओके मीन्स पूरा आपको ये सैंपल रहेगा एंड दैट यू हैव टू गिव दैट ओके सो दीज आर द डॉक्यूमेंट दैट यू नीड टू कवर ओके मैं इसको ओके इज द बेसिकली फॉर्मेट ऑफ द यूजीसी रेगुलेशन आफिडेविट सिक्स सिक्स बाय सिक्स फॉर्म ओके आर आर द फॉर्म यू हैव टू फिल आउट दट ओके जब एडमिशन लेंगे तो आपको फॉर्म प्रोवाइड करना वहाँ पर आपको समझा दीजिएगा नो इन प्रॉब्लम आउट डैट ओके सो दिस इज ऑल द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द आर ओके सो डॉक्यूमेंट भी आप एक बार और देख सकते हैं दिस आर द इमार्टेंट डूमेंट डाउनलोड द ऑरिजिनल टेस्ट रिपोर्ट ऑफ कैंडिडेट ब्लड ग्रुप ब्लड ग्रुप का टेस्ट करा लेके okay? अगर नहीं कराएं तो आपको टाइम मिला जाएगा नो यू प्रॉब्लम ऑफ दट ओके बट समझ वही थोड़ा बदमाशी करते हैं बट मोस्ट ऑफ द कॉलेज विल गिव टाइम ओके डब्ल्यू जी अलॉटमेंट डाटा एलिड स्टेड एडमिट कार्ड पर टेंथ स्टैंडर्ड आधार कार्ड मार्कशीट एस सी एस टी ओबीसी सर्टिफिकेट अगर इमेज ऑफ द ईमेल विद रिफरेंस नंबर फॉर एंटी रैगिंग रिसिप्ट ओके सो एंटी रैगिंग के लिए एक रिफरेंस नंबर पाठा होता है उसको आपको सॉफ्ट कॉप में भी अपलोड करना होगा ओके और नोटोरियल आफिडेविट बाय द स्टूडेंट ऑफ स्टैम्प पेपर फाइव एंड अबो ओके सो ये स्टैप पेपर में आपको करना होगा दट इज ऑल अबाउट दट एंड मेडिकल आई सर्टिफिकेट दट इज मैंडेटरी यू हैव टू अपलोड ऑल दिज आई सर्टिफिकेट एंड इन द सॉफ्ट कॉपी फॉर्म ओके आपको बेसिकली गूगल फॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा यू हैव टू सबमिट देयर सो गाय दिस इज द ऑल इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू शुड केप्ट इन द माइंड बिफोर वी एटिंग टू दिस कॉलेज एंड इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ये सब डॉक्यूमेंट भैया एक भी मिस करेंगे देन यू विल फेस यू में फेस प्रॉब्लम या कोई कॉलेज ठीक रहते हैं वो टाइम देते हैं बट मोस्ट ऑफ द कॉलेज डोंट गिव एनी इवन और बट तो आपको वही सब प्रिपेयर कर लें उसके बाद जाए ओके एंड कोई भी डाउट होगा यू कैन कमेंट हेर आई विल ट्राई टू रिप्लाई एस वन एज पॉसिबल और आप पर्सनली गाइडेंस चाहते हैं डब्ल्यू वी काउंसिंग देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी एट इंस्टाग्राम आई विल गाइड यू ए नोमिनल प्राइस जस्ट थ्री नाइटी नाइन सो इफ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन कॉन मी सो फाइनली इस वीडियो में इतना ही था टिल देन बाय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद